कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरें खास तौर से खाद्य तेल बाजार से आ रही हैं। विदेशी बाजारों को देखते हुए घरेलू मार्केट में आज दाम स्थिर दर्ज करे गए हैं। व्यापार फ्लैट है। व्यापारियों के अनुसार घरेलू मंडियों में नई सोयाबीन की आवक उत्पादक राज्यों में बढ़ सकती है। प्लांट जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। शिकागो में भी सोयाबीन, सोया तेल और मील के दाम कमजोर हो चुके हैं। ओवरऑल ट्रेंड स्टेबल नजर आ रहा है। बात करते हैं रेट के बारे में, तो लोकल मिलों में बावर्ची ब्रांड में वनस्पति का जो रेट इस वक्त देखा जा रहा है 1465 है वो रेट। पामोलिन में 15 किलोग्राम कीमतें 1450 है। पामोलिन लीटर का रेट 86 रुपए। सोया ऑयल में 15 किलोग्राम का रेट 1640 है। एक लीटर सोया ऑयल कीमतें 99 रुपए देखी जा रही हैं। फॉर्चून में 15 लीटर का जो रेट चल रहा है बाजारों में वो 1600 है, और फॉर्चून में एक लीटर कीमत 113 है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में एक लीटर का रेट 100 रुपए चल रहा है। पामलिन में एक लीटर कीमत 86 रुपए। बिनौला में 10 किलोग्राम का रेट 870 है। सनफ्लावर में 10 किलोग्राम कीमत 960 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राइस ब्रांड का रेट 84 रुपए। उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है सोया ऑयल कीमतें 99 रुपए है। सोया डीओ का रेट 97 रुपए। मस्टर्ड कीमतें उत्तर प्रदेश में 111 चल रही है। एक्सपोर का रेट 109 है। पामलिन में आप 86 रुपए 50 पैसे का रेट ओवरऑल देखकर चल सकते हैं। गिरावट के साथ कारोबार हुआ है घरेलू बाजारों में। आज खाद्य तेल के दाम स्थिर है। मलेशिया में फरवरी वायदे अनुबंध में पाम तेल कीमतें 54 रिंगिट गिरावट के साथ देखी गई, 3840 रिंगिट के आसपास का रेट बाजारों में यहां पर रह गया। और साथ ही शिकागो में भी आज सोया तेल कीमतें कमजोर खुली हैं। घरेलू बाजारों में खाद्य तेल कीमतों में नरमी आने का अनुमान नजर आ रहा है। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।